चौधरी साहब, क्या हिसाब है? आई माउथ वॉश नोट नहीं, फेस वॉश किया मैंने। अच्छा क्यों छाए नहीं लग रहे? मतलब तुम्हें फेस धुल के भी अच्छी नहीं लगती, मेकअप करके भी अच्छी नहीं लगती। ओ, मैंने तुम बोलना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नो, यू आर ब्यूटीफुल, इसलिए ओके मैं यही बोलना चाहता हूँ बस। ऐसे बोलते रहा करो भाई, फायदे में रहोगे। हाँ, शाम को अच्छा खाना मिलेगा ऐसे बोल लोगे तो। हाँ, और नहीं तो रोड नहीं तो मिलेगा ही नहीं कुछ भी बाबा। अरे भैया देखी चाहिए बस। माय डियर, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर चार्मिंग, यू आर अट्रैक्टिव, यू लुक सो नाइस। यो यो, आई एम अमेज्ड टू सी यो यो सिंह, आई एम अमेज्ड टू सी यू डियर, सो नाइस ऑफ यू। नहीं, शाम को खाना मिलना चाहिए बस, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो डाल देना उसमें। तुमने बोल दिया इतने में खाना मिल जाता है। मिल जाता है, चलो तो बाकी कल के लिए रख लेता हूँ, कुछ नया वर्ड देखना पड़ेगा। आई लाइक इट। नो, डोंट लाइक, मेरे स्टमक पेन हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है। टीवीज ऑफ कर दूं? बेबीज टीवीज ऑफ। बिटवा वो बिटुआ, गर्मी है। हाँ पंखा चलाओ। हाँ हाँ, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। बना रहे हैं। तेरे बिना सानू नशा हो गया मिसानू, कैसे कैसा गाना मेरे तो समझ नहीं आता। तेरे बिना सानू नशा हो गया है, ये गाने यार कभी याद होते ही नहीं हमारे तो, समझ में नहीं आई बात क्या है, कल ही याद रख पा रहे। तुम्हारी जुल्फों की घटाओं से, तुम्हारी जुल्फों की वजह से काली घटाएं हो गई हैं, इसीलिए मौसम खराब हो रहा, थोड़ा कम भाव। शाहजहां मैं तेरा। हाँ। तुझे मुमताज बना दूंगा। ओहो सुन मेरी महबूबा, अभी तो रानी बता रही थी महबूबा होगी। मिक्स मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए साल का पहला वीडियो और साल की शुरुआत हो चुकी है, तो मेरा पहला वीडियो है क्योंकि मैंने कल और परसों दोनों दिन कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा तबीयत को ठीक होने में टाइम लगा। और कल तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक अलग सी चीज़ हो रही थी, पता नहीं क्या और था, समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो कल इसलिए नहीं बनाया। मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बना लेते, अभी सारा काम ख़त्म किया है और आज बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और आज मैंने अपनी वाली जैकेट, ये वाली कुर्ती जो आप लोगों के साथ में शेयर की थी, और अभी हम विथ फैमिली जा रहे हैं बाहर। ये वाला स्टोल ले लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर है जूते बेटा। हाँ तो अभी मैंने सोचा चलिए इसके साथ में वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ मैं अपनी। मुझे ना एक तो जो वॉशरूम होता है ना उसका जो फर्श होता है उसको साफ करने वाला एक ब्रश देखना है, मेरे बालों में डालने के लिए एक भी रबड़ नहीं है, एक आधी रबड़ लेकर के आनी है। और सब्जी वब्जी लेकर के आ जाएंगे क्योंकि मेरा मन आज, एक तो मुझे बनाना है मटर पुलाव, मटर और चावल वाला जो काजू वाजू देसी घी के बनते हैं वो वाला, और उसके साथ में बनाना है मुझे गाजर की खीर, तो दो चीज़ हैं जो मुझे आज बनानी है, उसका सामान भी लेकर के आना है। तो चलिए पहले तो आप हमारे साथ में मार्केट चलिए। पार्क, दिस इज गार्डन एरिया, पार्क है इधर, मांटू जो है खेलती है,
और दिस इज गार्बेज। कहाँ जा रहे हो बेटा? पार्क नहीं जाने के बेटा आज? नहीं बेटा आज कोई पार्क नहीं जा रहा बाबू, आज कोई नहीं। मच्छर खाएंगे, डेंगू हो जाएगा, फिर हम आपको डॉक्टर के लेके जाएंगे, फिर डॉक्टर आपको सुई लगाएगा, फिर भी आप नहीं रहोगी। अभी हम जा रहे हैं मार्केट और काफी टाइम बाद, मतलब मैं ऐसे बाहर वीडियो कभी नहीं बनाती, बात करती हुई तो कभी भी नहीं बनाती, पर यहाँ ना लावे दवे कोई है नहीं, इसीलिए हम बना रहे हैं। कोई नहीं है देखने वाला, सुनसान सा नहीं है, मतलब कॉलोनी अच्छी है ये वाली। हाँ हाँ, बस अब हम आ गए मार्केट में, नहीं आए अभी हम, मेन रोड पे है, मेन रोड पे। चलो सामने का दिखाऊंगा आप लोगों को। और हमारा गुड्डा राना भी हमारे साथ में है और हमारे हैंडपंप भी हमारे साथ में है। फुल फैमिली जा रही है, फुल ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ये हैंडपंप कहा मुझे नहीं, ये हैंडपंप खाना नहीं खाऊंगा मैं आज, मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज, मैं खाना ज्यादा खाऊंगा नहीं। ये मेरे हैंडपंप में इनकी पाइप नहीं, मैं नहीं बना, मैं नहीं बना देने की, मेरा चैनल है ना। हरियाली, कितना मजा आ रहा है, चेहरे भी गोरे गोरे दिख रहे, गोरे गोरे मुखड़े पे नो चश्मा। और जैसे ही ये फोन पकड़ेंगे वैसे ही ये व्हाइट एंड मी ब्लैक, मी व्हाइट यू ब्लैक, ये हमारे फोन का कमाल है। हम आ गए हैं मार्केट से और कुछ लेकर के भी नहीं आए, बेफालतू में ना टाइम और लग गया। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत खतरनाक वाला हो रहा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय बना लेते हैं पुलाव बनाने की, और उसके साथ में बनाऊंगी गाजर की खीर। अभी तक तो गाजर का ना हलवा बना है ना कुछ, पर अभी फिलहाल सबसे पहला जो है ना तो गाजर का हलवे से भी पहले गाजर की खीर बनेगी हमारे यहाँ पर। तो पहले बना लेती हूँ चाय। तो अभी मैं रसोई में हूँ, कर रही हूँ अपना काम। चाय इनको मैंने बना करके दे दी है, साथ के साथ में जो गाजर लेकर के आए थे उनको भी कस दिया है, मतलब छील के उनको धुल लिया था, फिर उनको कद्दूकस कर लिया है, अभी कुकर में चढ़ा दिया है मैंने उनको। तो इसमें ना 2-3 सीटी लग जाएगी, तो जो वो गलाने का टाइम है ना वो हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पुलाव की तैयारी। हरी मिर्च काट लिया मैंने लंबी लंबी, और काजू ले लिए हैं, काजू थोड़े से जो उस पैकेट में थे वो ले लिए हैं, एक पैकेट मैं अभी लेकर के आई थी तो थोड़े से उसमें से ले लेंगे। तो पुलाव जो होते हैं वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं खाने में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मुझे तो बहुत पसंद है। किस किस को पुलाव पसंद है, किस किस को गाजर की खीर पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अभी कढ़ाई में डाल दिया है घी, और इसमें घी थोड़ा सा अच्छी मात्रा में जाएगा, तभी इसका जो टेस्ट है ना, मतलब गाजर का हलवा खाना भूल जाओगे आप लोग जब गाजर की खीर खाओगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो बस अभी मैंने इसमें गाजर डाल दिए जो उबाल के रखी हुई थी, अब उसको पकाना है घी में। घी में मैंने इसको कम से कम 6-7 मिनट के लिए पकाया है, जब तक घी जो है वो गाजर से बिल्कुल अलग नहीं होने लगा था। फिर इसमें मैंने डाल दिया है दूध, और दूध मेरे यहाँ पर आता है भैंस का, प्योर दूध आता है भैंस का हमारे यहाँ पर। तो बस इसको डाल के अच्छे से कढ़ाना है, मैं तब तक लगा लूँगी पुलाव को छोंक। मैंने मक्खन डाल दिया है और इलायची डाल दी है, तेजपत्ता डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है और हींग डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद में मटर डाल दी है, मटर डाल के अच्छे से उसमें घी में ही जो है उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। फिर काजू डाल दिए हैं, और अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल जो धुल करके पानी में भिगो करके रखे हुए थे। और जैसे कि मैंने लिए थे यहाँ पर 1 कटोरी चावल, तो 1.5 कटोरी में इसमें पानी डाल दूँगे और नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे। खीर भी जो है काफ़ी हद तक हमारी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो उसमें ना वो आ गया है, कढ़ने लगी है वो।
तो यहाँ पर मैं दही को अच्छे से फेंट रही हूँ क्योंकि इसका बनाना है मुझे रायता, मतलब छोंकी लगाना है इसको। तो इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च, ये सब चीजें। आज मैं से लाई हूँ, अभी आप लोगों को सामान ही दिखाया, एक दो चीजें लेकर के आई हूँ, ज्यादा नहीं। ये आज ही लाई हूँ, आज इसका जो है वो इनॉग्रेशन है, यानी कि इसका हम फर्स्ट टाइम उद्घाटन। अब क्या नए बर्तन में मीठा बना देना चाहिए, तड़के पैन में क्या मीठा बना? नहीं, मीठा है ना, वो एक चम्मच इसमें डाल दो चीनी लगा के। तड़का पैन में क्या मीठा बनाऊं? अच्छा नहीं सुनो तो सही, अभी तो बताओ कि गई तो थी एक ही चीज लेने और वो तो मिली मैं नहीं। कुछ नहीं लेने गई थी, नहीं एक चीज लेने गई थी वो मिली नहीं, वो ही नहीं मिली, इसलिए जो चीज लेने गए थे वो नहीं मिला, वो मिला नहीं और कुछ और मिल गया। खैर जरूरी है, अच्छी अच्छी चीज लाई, इसलिए मैं सहमत हूँ आपसे। चलिए डालिए इसमें तेल, ऑयल डाल दिया है ना, इसको रख दिया आँच पे, नहीं आँच पे नहीं गैस पे, गैस पे मतलब आँच गैस आग, अरे इस पे है। हैवी ठीक है, ऐसे चल रहे बताओ। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी तो सरसों के दाने, सरसों तो मंदी हो जाएगा ठीक है, किसी भी टाइम कुकर जो चिल्लाने वाला है। डाल दिया जीरा, नहीं कुकर बंद हो गया, बंद हो गया उसका काम हो गया था, ये चिल्लाएगा नहीं, आज भी सिटी नहीं मारी कुकर में, थोड़ा सा तो आग तो लगाओ इसमें, नहीं इसमें आग नहीं लगेगी, बिना आग के तो मजा नहीं आ रहा, इसमें नहीं लगेगी ना। चलो चलो हटो, बिना आग वाला बनाया चिल्ला रहा है, रुक जा भाई रुक जा। मैं गई तो थी कुछ और लेने के लिए, मैं लेने के लिए गई थी, क्या लेने गए थे हम, हाँ वॉशरूम शार्प करने के लिए ना एक ब्रश आता है वो वाला लेने गई थी, पर वो मिला ही नहीं तो हम लाए ही नहीं। हमने काम तो अपनी झाड़ू से ही साफ कर लेंगे, झाड़ू से ही हो जाएगा बढ़िया तरह साफ मगर झाड़ू से हो जाएगा, वो मिला नहीं भी, शाल में उसी के लिए गए थे वो ही नहीं मिला। पर फिर ना मैं ये दो पायदान लेकर के आई हूँ, ये वाले मैं लाई तो हूँ एक मंदिर के सामने डालने के लिए, फिर दूसरा कहाँ डाल लेंगे, दूसरा बाथरूम यहाँ डाल लेंगे, बाथरूम यहाँ डाल लेंगे, पैर कुछ नहीं है बाथरूम के सामने तो है, तो यहाँ डाल लेंगे बाथरूम के सामने, ये तो मेरी चॉइस थी, मैं चाहता था हाँ, ये इनकी पसंद के ही है, आज दो तीन चीजें तो मैंने ली है और इन्होंने ना मुझे वो नहीं दिया कुछ भी, नए साल पे कोई तोहफा नहीं दिया, तोहफा नहीं दिया मैंने, क्या दिया बताओ है? बताओ, आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर, आई ब्लेस यू, मैंने तुम्हें दुआ दी ना, ना मांटू को मिला हमें, कोई से को कुछ भी मतलब वो नहीं मिला, दुआ ये कहते हैं कि दवा से बढ़िया दुआ होती है, दवा से ज्यादा सर कहीं। अच्छा मैं तो इतनी बीमार थी तो तुमने दुआ करी मेरी, देखो मैं दुआ करी ऊपर वाले से रहम मांगा, मतलब कल ना मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, इतनी बहुत हालत खराब थी मेरी कल, मतलब ये भी डर गई, इन्होंने मुझे दवाई ला के दी थी, मैंने वो दवाई खाई तो उस दवाई को खाने बाद मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो ये भी डर गई, इनको लगा कि कोई दवाई मतलब ऐसी आ गई है जिससे ये दिक्कत हो गई। और दो तो ये पायदान लाए हैं है ना, हाँ जी दो तो लाए पायदान, और मेरी जो ये छोटे वाली कुशन रखी हुई है ना, मंत दिखाइए बता, छोटे वाली ये, इनके ऊपर ना कवर नहीं है, इनको ऐसे ही वॉश करना पड़े, मैंने कहा ऐसे इनको क्या करेंगे धुल के, इसके ऊपर का एक कवर ही ले लेते हैं, कवर ले लेते हैं, तो इसको धोके क्या करेंगे, ब्रश लेने गए थे ना हम, तो ब्रश लेने गए थे तो कवर ले लेते हैं, पर ब्रश नहीं मिला था, हम क्या बुरा मान जाते ना दुकान वाले, अगर कुछ नहीं लेते तो हाँ, फिर उन्होंने कहते हैं कुछ लेके क्यों नहीं जा रहे भाई, अभी तो बात गलत है ना, कुछ नहीं लेके जाती तो फिर दिक्कत हो जाती ना, तो इसमें है ना इसको मैं अभी डाल दू फिलहाल, अगर मैं या सिंक के पास में जो है ना तौलिया नहीं है हाथ पूछने तो पूरा बड़ा तौलिया टांगो, बड़ा तौलिया क्या है गंदा हो जाता है तो फिर वो धो के सूखने में ज्यादा समय लेता है और वो कन्वीनियंट भी नहीं रहता, और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है जहाँ भी सिंक है वहाँ एक हाथ पूछने के लिए तौलिया होना ही चाहिए, और इस घर में वॉश बेसिन जाता है, इस घर में तीन वॉश बेसिन है, तीन चार चार वॉश बेसिन है तो चार तौले चाहिए, लेकिन मतलब हम चार तो नहीं लाए, थोड़ा सा हमने बजट भी देखा, तुम हाफ रेट मतलब हाफ काम पैसों में काम कर रहे हैं, आ गया
आप जुगाड़ तो अगर महिला हो भाई, आप सेटिंग बैठाना तो आप सबसे अच्छे जानती हो, आपका लगे जहाँ मर्जी वहाँ लगाओ, हाथ पूछ ले गए। और ये लाए हैं हम हुक, हुक दीवार पे ये चिपके हैं, कभी ना तुम ना ठोकने लग जाओ। मैं तो ठोकता ही कभी तो लाओ अभी हथौड़ा को मैं तो ठोकू ये ठुकने के नहीं। अच्छा, ठीक है ये पीछे से ही उधर यही चिपक जाएगा। जाओ तो जाओ तुम, देखो भाई भाज के जाओ। हो गया ये हो गया, चलो पहले ना हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो का एंड करेंगे। मास्क क्यों लगा के रखता हूँ कोई किसी को नहीं पता होगा। मैं पता है क्या है ना, इससे जो है ना निवास बन जाती है, तो ठंड कम लगती है मुंह को, सर्दी कम महसूस होती है, इसलिए मैं लगा लगा नीचे नीचे ऊंचे हो गए थोड़ा सा, पर लगा तुझे। हाँ यहाँ हमारा जो खाना है वो बन गया है, और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ में। पुलाव भी तैयार है, खीर भी तैयार है, रायता भी तैयार है। मांटू को बड़ा मज़ा आ रहा था, वो कभी ना ये खीर हलवा बहुत कम खाती है, पर उसको आज बहुत पसंद आ रही थी, कह रहा मम्मी बहुत टेस्टी लगी। मैंने कहा चलो हमारी जो मेहनत थी वो सफल होगी, बच्चा खाना खा लें इस तरीके से बोल के कि अच्छा लग रहा है, मानो मतलब बनाने की जो मेहनत है वो सफल हो गई है। और इनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, दही के साथ में पुलाव भी और खीर भी ये बहुत कम खाते हैं, पर आज इन्होंने खाई है क्योंकि इनको भी टेस्टी लग रही थी। आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए हमारे साथ में खाना। शादी के बाद पहली बार ही है, मतलब शादी में साथ फेरे लिए थे जब इन्होंने हमारे साथ, तभी भरी होगी। ये सब चीजें भी ना कभी कभी बहुत खुशी देती हैं, इन सब चीजों का और इन सब उसका कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल होती है, मोल पल है। ये मेरे लिए ना छोटी सी चीज भी लेकर के आया, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे ये मेरे लिए कभी कुछ सरप्राइज देने के लिए, वैसे कभी कुछ ही नहीं लाते रहने दो। वैसे सरप्राइज के तौर पे चलो आज तक की बता दो, एक भी चीज तुमने मुझे लाते याद नहीं। वैसे याद नहीं, नहीं बताओ चलो, कुछ पाँच रुपए की चीज भी तुम मेरे लिए खरीद कर आज तक लाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं मांगता हूँ, सरप्राइज देता रहता। दुआएं तो निकल गई थी कल सारी, कल सारी दुआएं, पता नहीं दुआएं कबूल हुई क्या। मैं जो लाना चाहूँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं कैसा लगेगा, देखियो थोड़ा सा सिंपल से है ना, इसलिए मतलब इन्होंने 11-12 साल का सिंदूर आज ही भर दिया अभी। और अभी आप लोग सोचोगे कि न्यू ईयर का क्या गिफ्ट है, न्यू ईयर का मैं हूँ ना वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, हम सब साथ में है वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, और पूरी फैमिली साथ में है, अच्छे से है, खुशी है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा कोई गिफ्ट है। वैसे तो अपना पूरा घर ही अपना है, हर दिन वो है कहानों के गिफ्ट है, कभी कुछ जयंती कभी कुछ 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 भी है। मतलब घर में खुशहाल रहे, खुशी रहनी चाहिए, गिफ्ट ही गिफ्ट है, गिफ्ट गिफ्ट जाकर स्पेशल। कंजूस ज्यादा है, सिंपल ज्यादा नहीं है, कंजूस ज्यादा है, मतलब एक भी रुपया खर्च ना जाए। चलिए बहरहाल ये सब चीजें मैटर नहीं करती है, तो अभी इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, और पाकी के पापा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गिफ्ट दूंगा नहीं।
तो चलिए अब इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। पाकी के पापा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। मौसम ठंड का है तो कपड़े अच्छे से पहन कर। बाय बाय।